नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आपका कंप्यूटर यदि अगर स्लो काम कर रहा है तो उसकी स्पीड को कैसे मेंटेन करें। साथियों, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेकिन उन सारे वीडियोस में हमको बताया तो जाता है लेकिन हमको सेम रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को तेज कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपको अपने कंप्यूटर, दिस पीसी या कंप्यूटर या माई कंप्यूटर, जिसको भी आप ओपन करना चाहते, जो भी आपके सिस्टम में दिख रहा हो उसको आप ओपन कर लें। किसी भी डिस्क, लोकल डिस्क सी डी या ई, कोई भी एक डिस्क हो, उस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर्टीज। अगेन फिर से देखें, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है तो आपके सामने डिस्क प्रॉपर्टीज का एक विंडो आ जाएगा। यहां पे आपको जाना है टूल्स पर। टूल्स पर जाएंगे तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टोमाइज। ऑप्टोमाइज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्टोमाइज ड्राइव का एक विंडो आ जाएगा। यहां पर आपको उस सबसे पहले ये जितनी भी डिस्क इसमें है सभी डिस्क पर आप क्लिक करें और क्लिक करके पहले आप एनालाइज कर लें। एनालाइज पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो हट जाएगा, फिर से अगेन स्टार्ट होगा, ऐसे एनालाइज करेगा। तो इस तरीके से आप सारे के सारे जो भी डिस्क पार्ट्स बने हुए हैं उन सभी को एनालाइज करें। ये 100% तक एनालाइज होंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये एनालाइज कंप्लीट होगा, तो ऐसे देखें, थोड़ा सा वीडियो को स्किप ना करें। और अभी मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप सिस्टम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। एक बात तो आप ध्यान दें, पहला, अगर आपके सिस्टम में रैम कम है तो भी सिस्टम की स्पीड कम हो सकती है। प्रोसेसर अगर कमजोर है तब भी हो सकता है कि आपका सिस्टम, आपके सिस्टम में विंडोज 10 की कुछ फाइल्स हो, 7 की कुछ फाइल्स हो जो अपडेटेड ना हो, या कोई ऐसी फाइल हो जो आपके सिस्टम को एक तरीके से कहे तो चलने में रोक रही हो, तो इसकी वजह से भी आपका सिस्टम पूरी तरीके से स्लो हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहला काम आपको ये चेक कर लेना है। यहां से जैसे ही अभी ये टाइम ज्यादा ले रहा है तो इसको चलने दीजिएगा, और जैसे ही ये जैसे 100% हो गया, अभी आप देखें यहां पे 100% होने के बाद ओके लिख जाएगा। अब यहां पे आपको ऑप्टोमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा तो ये ऑप्टोमाइज होगा, ये 100% तक जाएगा। ऐसे ही आप तीनों डिस्क का ऑप्टोमाइज करें, ऑप्टोमाइज करके उसको आप 100% तक ले जाएं, और जब ये 100% कंप्लीट होगा तो ओके लिख कर आएगा। अब इसके बाद आपको अगला काम क्या करना होगा, जब ये आपका कंप्लीट हो जाए, चलिए मैं आपका टाइम ज्यादा ना लूं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं और मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूं, बाद में आप इसको कर लीजिएगा। अब अगला काम आपको क्या करना है, जब ये क्लियर हो जाए तो आपको डिस्क पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना, सी डी जितनी भी डिस्क है, और क्लीन अप डिस्क कर देना है। डिस्क क्लीनअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिस्क क्लीनअप का आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा ऐसा। तो इस विंडो को अभी आप थोड़ा सा वेट करें और इसको जाने दें पूरा का पूरा, ये 100% तक जाएगा। फिर आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, अभी देखिए ये थोड़ा तेजी के साथ बढ़ेगा, और थोड़ा सा वेट कर ले बस, आप वीडियो को स्किप ना करेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को जिस तरह से लाइक करते हैं हमको बहुत ही पसंद आता है, आप वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें। अब यहां पे देखिए सारे चेकबॉक्स बने हैं, इन सारे चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद अगला काम आपको क्या करना, जितने भी चेकबॉक्स है ध्यान दें कि आपके रिसाइकिल बिन में कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा ना हो, फिर आप ओके कर दें, फिर डिलीट फाइल्स कर दें। तो अब टेम्पररी फाइल्स, जो भी बैड फाइल्स हैं, फाइल आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी जो भी आपके सिस्टम को स्लो कर रही हो। अब उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए दोनों स्टेप, जो मैंने दोनों स्टेप बताए, फिर अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम इस मैसेज बॉक्स को ओके करके हटा देना है। अभी हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट होने, वीडियो को स्किप ना करेंगे तो फिर मैं आगे आपको स्टेप बताऊंगा आप कैसे करें कि किस तरह से आप जो है अपनी स्पीड को स्लो, जो स्लो स्पीड है उसको आप फास्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप कि ये जो फालतू की फाइल्स है जो सिस्टम को बांध के रखती है, सिस्टम को चलने नहीं देती है, वो सारी फाइल्स यहाँ पे रिमूव हो रही हैं। अब ये फाइल्स रिमूव हो गई, अगला काम आपको ओके करना है, देन आपको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। दोस्तों, आपका कंप्यूटर फिर से एक नई स्पीड में चलने लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो
तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने ये ट्राई कर लिया और आपको वाकई 100% रिजल्ट मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।